एकदम शाही कैदी लग रहा हो ना? वैसे लग रहे हो जैसे उस दिन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हड़ताल की थी, हंगामा हुआ था और पुलिस तुम्हें इसी तरह जंजीरों में जकड़ कर ले जा रही थी। तो हमारी पहली मुलाकात थी और आज आखिरी। फेडरल कोर्ट ने मेरी फांसी कंफर्म कर दी हो माँ? जानती हूँ, उस पर दस्तखत कर दो। क्या है? तुम साइन करके शर्मिंदा हो जाओ, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, चाहो तो पढ़ सकते हो। भूषण, जिन आंखों ने इस देश की जनता और मजदूरों की आजादी के सपने देखे, क्रांति के सपने देखे, उन आंखों को ये सपने साकार होते हुए दिखने चाहिए। तुम्हारी आंखें किसी अंधे को मिल जाए, यही लिखा है इस कागज पर। तुम्हारी कोशिश बेकार साबित होगी उमा। फांसी का कैदी सरकार की जायदाद होती है, उसकी लाश भी रिश्तेदारों को देनी है या नहीं ये सरकार की मर्जी पर होता है। तुम्हारा शौहर जिंदा रहे ये नहीं चाहती तुम? क्या सोच रही हो? सरकार को अर्जी दे दो माफी के लिए। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हारे पांव से सूज कैसे गए? कहां से लगे पांव? आ रही हो गांव से? कब मिली थी? कल शाम। रात को ही है? कभी कभी अपनी परछाई का साथ काफी होता है। परछाई का साथ पूरा नहीं पड़ता तो तुम मेरे साथ कैसे चली आती? मैं तुम्हारे साथ आई ये सच है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी जो दो वक्त की रोटी नहीं जुटा सकते। और उनमें से कोई नहीं आया तुम्हारे साथ? हाँ, कोई नहीं आया। कितना नाशुक्रा है ये समाज। समाज नाशुक्रा नहीं है भूषण, तुम मुताबले हो। जो लोग हजारों सालों से फिस रहे हैं वो तुम्हारी रफ्तार से कैसे दौड़ पाएंगे? मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। दूसरी मुलाकात तो तुमने अपनी ढेर सारी कविताएं सुनाई थी। और तुम्हें मेरी कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तुम्हारी कविताएं आसमान में उड़ती थी, उनमें न मिट्टी की खुशबू थी न दुख का स्वाद। कविताएं पसंद नहीं आई, कवि तो पसंद आया। क्योंकि उस कवि को कविता लिखना नहीं आता था, उन्हें कविता जीना आता था। मैं सारी उम्र कविताएं जीता रहा और तुम उन कविताओं का दर्द सहती रही। जिस दर्द में जीवन छिपा होता है उसमें रोया नहीं करते। मैं समझा नहीं। तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि न तुम औरत हो और न माँ। मुन्ने को नहीं लाई? उसे मौसी के घर छोड़ा है। क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ? उसको काम कुछ खास नहीं। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, उसे निमोनिया था। दवाइयां बहुत महंगी थी भूषण, बहुत महंगी थी दवाइयां, बहुत महंगी थी। मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है।